वालेकुम, वेलकम टू किचन विद फारिया। मैं हूं फारिया और आप सब देख रहे हैं किचन विद फारिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं ढाबा स्टाइल गोभी। तो इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, यहां मैंने गोभी ली। गोभी लेंगे और उसे हम इस शेप में काट लेंगे। प्याज लेंगे एक अदद, टमाटर लेंगे दो अदद, सब्ज मिर्च लेंगे हस्ब जरूरत, चिकन लेंगे, आलू लेंगे, चिकन के अंदर हम सिरका ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे एक घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। एक पैन लेंगे, उसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसे पकने के लिए रख दें। सुरख मिर्च ऐड करेंगे हस्ब जरूरत। हल्दी हस्ब जरूरत। नमक हस्ब जरूरत। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और हमारा जो चिकन है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ऑयल में फ्राई करेंगे। ये देखिए इसकी बहुत ज़बरदस्त सी लुक आ गई है। अब हमें इसे इसी शेप में, हमने इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, अब हम इसे उस मसाले में ऐड कर दें। चिकन हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट सा फ्राई हो चुका है, इसे हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम 3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो हमारे आलू और चिकन है वो अच्छे से पक जाए। अब हम इसके अंदर गोभी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। डबल स्टाइल में हमारी गोभी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में ऐड कर देंगे। इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही जबरदस्त सी ढाबा स्टाइल गोभी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इसकी जो पिक है मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।